दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को हम दिखाने वाले हैं दोस्तों, आप लोग अगर फेसबुक या यूट्यूब से आप लोग कॉपी पेस्ट करके पैसा अर्न करना चाहता है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को हम पहले दिखाने वाले हैं आप लोग दोस्तों वीडियो कहां से डाउनलोड करेंगे और दोस्तों आप लोग इसको एडिट कैसे करेंगे, उसको अपलोड कैसे करना है, ये सारे प्रोसेस दोस्तों हम आप लोगों को मोबाइल का स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों हम अभी मोबाइल का स्क्रीन पर आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पहले कुछ ऐप का जरूरत होगा, ये ऐप पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को VNA जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वीडियो एडिट कर पाएंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका बाद दोस्तों आप लोग अगर न्यू है तो दोस्तों आप लोग को यूट्यूब का जरूरत होगा और दोस्तों आप लोग को फेसबुक का भी जरूरत होगा और इंस्टा का जरूरत होगा। ये चार ऐप दोस्तों आप लोग को 100% जरूरत होगा आप लोग अगर कॉपी पेस्ट करके पैसा अर्न करना चाहते हैं। अभी दोस्तों हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं दोस्तों आप लोग वीडियो कहां से डाउनलोड करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। ओपन करने का साथ साथ दोस्तों आप लोग को यहां पे क्या करना है, ये जो सर्च बार है आप लोग को इसका ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने का साथ साथ यहाँ पे दोस्तों जो सारे वीडियो आएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे वीडियो वायरल हुआ है और दोस्तों ये सारे वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसीलिए दोस्तों ये चार्ज में आप क्लिक करने का साथ साथ यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, कोई एक इंस्टाग्राम अकाउंट हम ओपन कर लेंगे। इस अकाउंट को हम ओपन करते हैं। ओपन करने का साथ साथ ये वीडियो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना सारा व्यू से लाइक है, 283 के। तो दोस्तों इसका प्रोफाइल को क्लिक करना है। प्रोफाइल में दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पहले देखना है प्रोफाइल में जाके, प्रोफाइल में जाके दोस्तों आप लोग को पहले देखना है इस बंदे का फेसबुक या यूट्यूब अकाउंट लिंक हुआ या नहीं। अगर दोस्तों वो लोग का पास यूट्यूब अकाउंट या फेसबुक होता तो दोस्तों 100% वो लोग लिंक करके रखता। तो दोस्तों इसका कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह का अकाउंट दोस्तों आप लोग को देख के ढूंढना है, ढूंढ के निकाल के दोस्तों आप लोग उसी अकाउंट को दोस्तों आप लोग क्या करना है, उसी अकाउंट से आप लोग वीडियो डाउनलोड करना है। तो दोस्तों हम यहां से एक वीडियो को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी करता हूँ लिंक। कॉपी करने का बाद दोस्तों आप लोग उस वीडियो को पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, वीडियो को थोड़ा एडिट करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को हम दिखाएंगे VNA सॉफ्टवेयर को ओपन करके, इसमें दोस्तों हम एडिट करके दिखाएंगे। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों जब पहली बार ओपन होगा आप लोग को कुछ परमिशन मांगेगा, आप लोग दे दीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे प्लस बटन का ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने का साथ साथ दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग अगर कोई गाना का वीडियो डाउनलोड किया है या आप लोग कोई गाना का वीडियो अपलोड करना चाहता है तो दोस्तों आप लोग जब एडिट करेंगे वीडियो को, यहाँ पे आप लोग को दोस्तों इसका साउंड आप लोग को म्यूट कर देना है या आप लोग को क्या करना है, इस साउंड को आप लोग यहाँ से हटा देना है। जब दोस्तों आप लोग यूट्यूब या फेसबुक में शॉर्ट में जाके दोस्तों आप लोग वीडियो को अपलोड करेंगे, वहां से दोस्तों आप लोग को गाना या म्यूजिक जो कुछ भी है आप लोग दोस्तों वहां से सेलेक्ट करना है, नहीं तो दोस्तों आप लोग का वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो यहां पे आ गया है। आप लोग दोस्तों इस वीडियो में अगर कोई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करके रखा है तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे इसका ऊपर दोस्तों आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या होगा, आप लोग यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करके आप लोग दोस्तों म्यूजिक ऐड कर लीजिए। ऐड करने का बाद दोस्तों आप लोग, तो दोस्तों यहाँ पे जब म्यूजिक आ जाएगा आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे अगर दोस्तों वीडियो में कोई वाटर मार्क है या कुछ भी है आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं, या दोस्तों नहीं हटाने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एडिट इसीलिए करना है क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर इंस्टाग्राम से या जो कुछ भी आप लोग ऐप से वीडियो को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग अगर फेसबुक या यूट्यूब में डायरेक्टली आप लोग अपलोड कर देंगे तो दोस्तों यूट्यूब या फेसबुक को पता चल जाता है कि आप लोग वीडियो को कहां से उठाया है।
इसीलिए दोस्तों वीडियो को एडिट करना है। जब दोस्तों आप लोग वीडियो को एडिट करेंगे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे और एक काम करना है दोस्तों, आप लोग को फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर के में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से हल्का सा आप लोग कोई भी एक फिल्टर लगा दीजिए वीडियो का हिसाब से। ये जो दोस्तों जब लगाएंगे आप लोग डीएनए में वीडियो को किसी भी सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप लोग वीडियो एडिट करके दोस्तों जब एक्सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों ये यूट्यूब या फेसबुक को पता नहीं चलेगा ये आप लोग डाउनलोड किया है और उनको पता चलेगा आपने खुद इस वीडियो को एडिट किया है। इसीलिए दोस्तों आप लोग को तो दोस्तों आप लोग का जब दोस्तों यहाँ पे वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा, हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं ये लास्ट में आप लोग का अगर न्यू बीएनए का वाटरमार्क है तो दोस्तों आप लोग को इसको ऊपर ये चिन्ह रख के आप लोग उसको डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गया है, अभी दोस्तों आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कितना रेजोल्यूशन में देखे आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जो भी मर्जी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और कितना एमबी का अंदर रखना चाहते हैं। उसका बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऊपर दोस्तों आप लोग क्लिक कर दीजिए, आपका जो वीडियो है वो रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो रेडी होना शुरू हो गया है। अभी दोस्तों हम इस वीडियो को पहले यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके अपलोड करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद दोस्तों हम यूट्यूब को ओपन करते हैं। ओपन जब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर यूट्यूब चैनल, उसका बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे प्लस बटन का ऊपर दोस्तों आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक जब दोस्तों आप लोग करेंगे यहाँ पे दोस्तों आप लोग को यह देख सकते हैं एक ऑप्शन और दो ऑप्शन तीन ऑप्शन दोस्तों आप लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बीच का जो ऑप्शन है आप लोग ये देख सकते हैं, इसी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग को सेलेक्ट करना है अपलोड ए वीडियो। तो दोस्तों इसका ऊपर दोस्तों जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का साथ साथ दोस्तों आप लोग का वीडियो जहाँ पे रखा है आप लोग उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट हो गया, अभी दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का साथ साथ दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को और एक काम करना है, आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये साउंड का बात बोला था, साउंड या गाना लगाना चाहते हैं दोस्तों आप लोग ये साउंड पर क्लिक करके आप लोग लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग अगर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। टाइमलाइन देना चाहते हैं या फिल्टर देना चाहते हैं यूट्यूब से आप लोग शॉर्ट वीडियो में दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को साउंड ऐड करके दिखाने वाला, आप लोग दोस्तों साउंड का ऊपर क्लिक कर दीजिए। साउंड का ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ऊपर में चार्ज बार देखने को मिल जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ से म्यूजिक या गाना का नाम देकर चार्ज कर सकते हैं, या अगर दोस्तों आप लोग यहाँ से उठाना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये तीर का ऑप्शन है, आप लोग इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये गाना चला जाएगा। उसका बाद दोस्तों आप लोग टाइटल रिलेटेड लिख के आप लोग दोस्तों यहाँ पे नीचे अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग उसको अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड कर लीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग को फेसबुक में कैसे अपलोड करेंगे ये दिखाने वाला हूँ दोस्तों। इसके लिए आप लोग आपका पेज जो है दोस्तों पहले आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्रिएट रील पर रील का ऊपर दोस्तों आप लोग को क्लिक करना है। इसका ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का साथ साथ दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऑडियो टेक्स इफेक्ट स्टिकर सेव दोस्तों यहाँ पे चार पांच ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोग अगर इसमें ऑडियो या म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग ऊपर में क्लिक कर दीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वीडियो का ऊपर में तो दोस्तों आप लोग इस टेक्स्ट से आप लोग लिख सकते हैं। उसका बाद दोस्तों इफेक्ट आप लोग अगर डालना चाहते हैं वीडियो में तो दोस्तों आप लोग इफेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टिकर भी इसी तरह दोस्तों आप लोग स्टिकर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम ऑडियो का ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल म्यूजिक जो है इसी तरह से आ जाएगा। आप लोग को इसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग ऐड म्यूजिक पर क्लिक करके आप लोग जो कुछ भी म्यूजिक आप लोग अपना पसंदीदा म्यूजिक आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जब सेलेक्ट आप लोग कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। उसका बाद दोस्तों आप लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों टाइटल लिख के दोस्तों आप लोग शेयर नाउ का ऊपर दोस्तों आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग का जो वीडियो है वो फेसबुक
यूट्यूब और फेसबुक दोनों में अपलोड हो गया है। तो दोस्तों हमने अभी आप लोगों को दिखा दिया है आप लोग इंस्टाग्राम से रील को डाउनलोड करके कैसे फेसबुक या यूट्यूब में अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक है। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं।